हेलो एवरीवन, मैं प्रिया फ्रॉम द प्रिया वुमेन्स कॉर्नर। अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आ गई हूँ एक और मेकअप लुक। एंड ये मेकअप लुक मैंने बहुत आसानी से क्रिएट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, इस मेकअप लुक को मैंने कैसे किया है इसको देखने के लिए, तो आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। और इस वीडियो की एक और खास बात है, इसे मैंने बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट के साथ क्रिएट किया है जिसे आसानी से सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और एंड तक देखना आप पसंद कर रहे हैं, तो अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल द प्रिया वुमेन्स कॉर्नर। अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। आप इसे इजिली वेयर कर सकते हैं इस नवरात्रि पे, करवा चौथ पे। अगर आप न्यूली वेड्स हैं तो आप इस नवरात्रि में भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड इसे आप अपने करवा चौथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। इतना वियरेबल है इसे, अपने थोड़ी से कॉस्ट्यूम आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने साड़ी डाला है तो उसके हिसाब से आपको ज्वेलरी चेंज करनी पड़ेगी और हो जाएगी आपकी ये करवा चौथ मेकअप लुक तैयार। तो बहुत ज्यादा लंबा इंट्रो हो गया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल का प्राइमर, एंड ये 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर है गाइज। एंड ये प्राइमर इतना अच्छा है कि मैं इधर लगातार इसे ही यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। एंड देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये ओलिविया का फाउंडेशन गाइज। इतनी सस्ती और इतनी अच्छी फाउंडेशन, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना अच्छा होगा। ये प्रोवाइड करता है मीडियम टू फुल कवरेज, एंड ये सैटिन फिनिश देता है, हल्की सी एक हेल्दी सी ग्लो ऐड कर देगा आपकी स्किन पे, एंड आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लोई दिखेगा। और ये मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से कवरेज दिया है इसने। फिर मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड कर रही हूँ, ये है डार्लिंग इसाबेला की कंसीलर, इसमें मेरा शेड है 05। ये हल्के से ऑरेंज अंडरटोन के साथ है जिससे कि मेरी डार्क सर्कल अच्छे से हाइड हो जाती है। फिर मैं अपने कंसीलर ब्रश की हेल्प से लेके अच्छे से इसको ब्लेंड कर, एंड ब्लेंड होने के बाद ये कंसीलर मेरे बिल्कुल स्किन के कलर का हो जाता है, इतना ज़्यादा ये मैच करता है। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ब्लू हेवन का सफायर ट्रांसलूसेंट पाउडर। आज मैं थोड़ी बेकिंग के मूड में हूँ इसलिए इस पाउडर को मैंने यूज़ किया। एंड ये इसमें मेरा जो शेड है वो है नेचुरल, एंड ये बनाना पाउडर की तरह ही येलो अंडरटोन का है। एंड बैक कैमरा मैंने कर लिया है अपनी आईब्रो, उतने देर में मेरी बेकिंग भी हो गई और आप देख सकते हैं कि इसने मेरे अंडर आई को कितने अच्छे से ब्राइटन अप कर दी है। इससे अब मुझे हाइलाइटर कंसीलर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी ये रोज़ इन द एयर पैलेट वेट एंड वाइट की है, इससे मैं अपनी करूँगी कंटूर अपनी फेस को, जिससे कि मेरे फेस पे थोड़ी सी स्ट्रक्चर आ जाएगी एंड मेरी फेस थोड़ी सी जिजल आउट हो जाएगी। एंड क्या होता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद ना फेस एकदम से फ्लैट हो जाता है। आप अभी बैक करके आप देख सकते हैं, आपको साफ डिफरेंस दिखेगा। अभी मेरे फेस पे आपको कट नज़र आ रहा होगा, फाउंडेशन लगाने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, ये नहीं दिखता है आपका फेस कट, इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं फिर कर रही हूँ अपनी नोज़ को कंट्रोल उसी वेट एंड वाइल्ड वाले पैलेट से, एंड उसी ब्रश से मैंने पहले लाइनिंग कर लिया है, फिर अपने फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये है शुगर कॉस्मेटिक का कोरल क्लाइमेक्स, ये ब्लशर है, एंड इसी से मैं अपने आज ब्लश लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छी सी ऑरेंज अंडरटोन के साथ है और ये मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है, डीपर स्किन टोन वालों के लिए ये नहीं है। उसके बाद मैं चल रही हूँ अब अपनी आई मेकअप करने, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है मॉर्फी द जैकलिन हिल पैलेट, और उससे ये मस्टर्ड येलो कलर को लेके मैं अपनी क्रीज पर बिल्ड करूँगी। क्रीज जो होता है वो आईलिड के ऊपर वाले पोर्शन को क्रीज बोलते हैं, वो आपके स्किन और आई शेडो के बीच एक ट्रांजिशन की तरह होता है, तो बहुत सारे लोग इसे ट्रांजिशन कलर भी बोलते हैं। और ये कलर एकदम मैट होना चाहिए, सिमर कलर यहाँ यूज़ नहीं करते। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ एंगुलर ब्रश पे एक ये मोविस रेड कलर को, इसे मैं अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी उस एंगुलर ब्रश की हेल्प से। उसके बाद सबसे पहले इसे प्लेस करूँगी आईलिड पे, एंड जितना मुझे कलर चाहिए उतना कलर को मैंने एक बार में प्लेस कर दिया है। देन उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेड कलर के ऊपर जो वो ब्राउनिश रेड कलर है, उसको एक पतले से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लेकर मैं अपने आईलिड और ये क्रीज एरिया है जो उसके बीच का जो जगह है जहाँ पे दोनों कलर आपस
आपस में मिक्स हो रहे हैं उसको मैं डिफ्यूज़ कर रही हूँ उस कलर के साथ। देन मैं डार्कर ब्राउन कलर की तरफ जा रही हूँ, चॉकलेट ब्राउन कलर है, इससे मैं अपनी आउटर वी को डिफाइन करूँगी। और आज मैं एक अलग ही तरह से अपने आउटर वी को डिफाइन किया है। एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक पतली सी एंगुलर ब्रश, उसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले अपने आउटर वी को डिफाइन किया है ब्राउन कलर से। फिर मैं उसको उसके एज को ब्लेंड करने के लिए ले रही हूँ एक ये है पॉइंटेड ब्रश, और उसकी हेल्प से लेके मैं अपने जो आउटर वी की मैंने बनाया था वो डार्क ब्राउन कलर से उसको मैं डिफ्यूज़ कर दूँगी। फिर एक बड़े से फ्लफी ब्रश की हेल्प से सारे कलर को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सारे कलर्स आपस में बहुत अच्छे से सीमलेसली ब्लेंडेड दिखे। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है SQ की आई लाइनर। मैं ये फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ इसलिए विंग लाइनर तो बनती है, इसलिए मैंने विंग लाइनर क्रिएट किया है। और ये बहुत अच्छी आई लाइनर है, और इसकी जो पॉइंटेड उसकी जो ब्रश है इससे आप पतली से पतली विंग लाइनर भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से अपनी विंग लाइनर को लगा लिया है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ वही रेड कलर, उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे पहले कलर को प्लेस कर रही हूँ एक एंगुलर ब्रश की हेल्प के साथ। देन मैं उसके बाद ये मस्टर्ड येलो कलर को लेके मैं उस रेड कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन कलर को ले रही हूँ अपने लैश लाइन पे, बिल्कुल लैश लाइन पे मैं इसे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ब्लैक कलर की काजल नहीं लगानी, आज मैं ये सिल्वर कलर की काजल लगा रही हूँ। और ये सिल्वर कलर की जो काजल है ये विला वोस्टी की तरफ से है, उसमें हल्की सी साइन है, इसे मैं अपने वाटर लाइन पर लगा रही हूँ। और जिनकी भी आँखें छोटी हैं जिन्हें काजल लगाना नहीं पसंद, तो उनके लिए वो क्या करेगी, सबसे पहले वाइट काजल लगा ले अपने वाटर लाइन पर, उसके नीचे लैश लाइन पर लगा ले काजल, इससे उनकी आँखें बड़ी दिखेगी। एंड फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है वाकफ्री मस्कारा ब्लू हेवन का, ऑफ कैमरा मैंने लगाया है फॉल्सेस, एंड मेरी आईज मेकअप आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मैं अपनी सारी मेकअप को सेट कर लूँगी इस स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर के साथ। और ये मेकअप फिक्सर इतना, इसका स्मेल इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, एकदम बिल्कुल लेमन की फ्रेग्रेंस की है, और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। फिर जब तक कि ये मेकअप फिक्सर मेरे फेस पे सूखता, उससे पहले मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को लेके एक बार उस पर रन कर दूँगी कि जितना भी उससे पाउडरनेस है वो सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, एंड इसे मैं अपने यूजुअल प्लेस पर हाईलाइट करूँगी, और ये हाइलाइटर है स्विस ब्यूटी की तरफ से, एंड ब्रिक हाइलाइटर है ये। इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड है इसे जानने की ये हाइलाइटर कैसा है तो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। एंड ये बहुत अच्छी हाइलाइटर, आप इसे डे टाइम में यूज कर सकते हैं एंड नाइट टाइम में भी इसे यूज कर सकते हैं। इस हाइलाइटर को मैंने अपने यूजुअल प्लेस पर हाईलाइट कर लिया है, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज, चीक बोन, अपने इनर कॉर्नर पे, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग करनी थी मैंने कर लिया है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की 3D लिपस्टिक है एब्सोल्यूट की, लैक्मे एब्सोल्यूट की 3D लिपस्टिक है, एंड इससे मैंने अपने लिप्स को पहले आउटलाइन किया है और फिर इसी लिपस्टिक को मैंने पूरे अपने लिप्स पे फिल कर लिया है लिपस्टिक की हेल्प से, उसी बुलेट लिपस्टिक से। एंड इसके कलर बहुत ही अच्छी पिंक और रेड कलर है, ये ऑरेंज रेड कलर नहीं है, ये पिंक रेड कलर है, और फेस्टिव मेकअप लुक के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैंने लगाया है सिंदूर और बिंदी, और ये मेकअप लुक जो है न्यूली वेड्स के लिए परफेक्ट है, वो इस करवा चौथ पे, नवरात्रि पे, किसी भी वक्त कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं मेरा कंटूर कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट दिख रहा है, बिल्कुल भी हार्श नहीं दिख रहा है। आपको नाइट टाइम हो या डे टाइम कभी भी आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा है, एंड लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।